नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 मई 2022 को होने वाले सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के विषय में। सूर्य मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जाएंगे, 15 मई से 15 जून तक वहीं रहेंगे पूरे 30 दिन। चार राशियों के लिए यह समय खुशियों से भर देने वाला होगा। चार राशियों का अचानक से भाग्य उदय हो जाएगा, धन वर्षा होगी, इनकम के नए नए रास्ते मिलेंगे, बहुत सारी खुशियां आपको देखने को मिलेंगी। वह चार भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं और इस समय को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, इस विषय में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, भगवान सूर्य के वृषभ राशि में जाने के साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य उदय हो जाएगा। एक महीने के लिए आपकी इनकम के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ से भी पैसा आना है, आपका पैसा अटका हुआ है, कोई बड़ी पेमेंट आपकी किसी कंपनी में फंसी हुई है या दुकान पर ग्राहक कम है, व्यापारिक बाधाएं हैं, तंत्र मंत्र का असर आपके व्यापार में है, कोई भी समस्या है, एकादश भाव में 11वें सूर्य आने से आपको भारी धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के 10वें स्थान में सूर्य आने से उच्च पद की प्राप्ति, पिता का सहयोग, राजनीति में भारी सफलता, आपके कार्य क्षेत्र में आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और व्यापार में नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। अगली राशि है यहाँ पर धनु। आपके 6वें भाव में सूर्य रहेंगे, 6वें सूर्य होने से आपका कर्जा और बीमारी दोनों का विनाश हो जाएगा, दोनों आपके जीवन से चले जाएंगी। यह महीना धनु राशि वाले जातकों के लिए भी खुशियों से भरा रहेगा। नेक्स्ट मीन राशि। मीन से तृतीय प्राक्रम भाव में सूर्य होने से आप जो भी मेहनत परिश्रम करेंगे उसका फल तत्काल आपको प्राप्त होगा। साथियों, अपने जीवन में भगवान सूर्य के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक कोई भी टाइम इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ में तांबे से बनी हुई वस्तु ज़रूरतमंद को दान करें। मीठा दलिया बनाकर रविवार के दिन प्रातःकाल पक्षियों और जीव जंतुओं को भोजन कराने से सूर्य के प्रभाव जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।